होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल से देख चुके हैं, आज मैं जो प्रॉपर वीडियो ये डेडिकेट कर रही हूँ न्यूबॉर्न शूट को लेके। जैसे अभी मैंने अपनी बेटी का न्यूबॉर्न शूट करवाया था, वो इतना ज़्यादा पसंद किया था आप लोगों ने। इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी फोटोज़ डाली थी, रील डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो आप वहाँ भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल सपना मनोहर। सो अभी मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया का न्यूबॉर्न शूट करवाया था, तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी, तो मैंने कहा इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि आपको प्रॉपर एक डिटेल मिल सके। और मैंने इससे पहले एक मैटरनिटी शूट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मेरा मैटरनिटी शूट हुआ था, तो उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तब वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो मैं आज आपके बारे में आपको बताने वाली हूँ न्यूबॉर्न शूट के बारे में। आपने कुछ क्लिप्स पहले देख लिए स्टार्टिंग में, एंड ये जो शूट होता है काफ़ी ज़्यादा एक माँ के लिए इमोशनल मोमेंट है। मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी गुड़िया चिया का ये शूट करवाया था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे मैं अपने सारे शूट्स भूल गई थी, मैंने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। उस टाइम पे आपका प्रॉपर फोकस उस शूट पे होता है, जब उसका शूट हो रहा होता है, इतना सा बच्चा आपका जब होता है। सो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर करवाना चाहिए, अगर आप मैटरनिटी शूट करवाते हो नहीं करवाते हो, बट ये ज़रूर करवाना चाहिए। और जो लोग करवाते हैं या करवाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता होगी, कि काफ़ी सारे लोग करवाना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता, लाइक मुझे भी नहीं पता था, मेरे आसपास किसी ने करवाया भी नहीं था, मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स में तो मुझे कोई भी नॉलेज देने वाला नहीं था, तो मैंने खुद ने ही सर्च कर करके चीज़ें करी थी। जब मेरा मुझे याद है कि 7th month चल रहा था, तब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, अपना मैटरनिटी शूट के लिए फोटोग्राफर देखना, अपना न्यूबॉर्न शूट के लिए फोटो। वैसे तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब भी से ये चीज़ें माइंड में थी, लेकिन एक होता ना सीरियसली वाला कि अब करवाना है, तो क्योंकि चीज़ें बहुत पहले से ही इनके लिए बुक करनी पड़ती है, तो मैं अपना उसी टाइम से देखने लग गई थी। एंड यू कांट बिलीव मैंने कितने वीडियोग्राफर फोटोग्राफर से बात करी है। मैं जयपुर में रहती हूँ राजस्थान, तो मैंने इतने सारे फोटोग्राफर से, जयपुर में भी बहुत सारे मैटरनिटी शूट न्यूबॉर्न शूट के लिए स्टूडियो है, वीडियोग्राफर है, मैंने इंस्टा पे से गूगल पे से नंबर निकाल निकाल के बहुत सारी बात की थी। देन मैंने जब फाइनल किया था जयपुर के टॉप जो हमारे मैटरनिटी और न्यूबॉर्न शूट के लिए हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया, वो थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव थे, और के कंपेयर में लिटिल बिट भी नहीं कहूँगी मैं, डबल ही था चार्जेस, लेकिन फिर मैंने वहीं से करवाया था क्योंकि आउटपुट अच्छा आना चाहिए। दैट्स वाई तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। देखो न्यूबॉर्न शूट जो होता है मैटरनिटी शूट, वो बिल्कुल अलग है। मैटरनिटी शूट में आप अपनी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो रेंट पे ले सकते हैं, आप किसी भी नॉर्मल फोटोग्राफर से, लाइक आपका कोई भी फोटोग्राफर, उससे बात करके आउटडोर किसी पार्क में किसी भी इस तरीके से शूट करवा सकते हैं, या फिर एक स्टूडियो में जाके शूट करवा सकते हैं। बट न्यूबॉर्न शूट में ऐसा नहीं होता है कि आपने लाइक ड्रेसेस ले ली, और क्योंकि ऐसी ड्रेसेस आपको पहली बार मिलेंगे भी नहीं, मे भी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो ड्रेस ही अलग होती हैं न्यूबॉर्न वाली जो होती हैं, और वो आपके वैसे कोई काम आएगी नहीं। ज़्यादातर रैप करते हैं बच्चे को, स्वेडल करते हैं, तो ये जो शूट होता है पर्टिकुलर इसी चीज़ का जो वीडियोग्राफर है न्यूबॉर्न का वही कर सकता है। नॉर्मल वीडियोग्राफर फोटोग्राफर से वो चीज़ नहीं बैठेगी, क्योंकि उनको पूरा ध्यान होता है कि बच्चे को किस तरीके से कैरी करना है, बच्चे को किस तरीके से उसे उस टाइम पे किस तरीके से उसको स्वेडल करना है, किस तरीके से उसका शूट करना है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर उन्हीं से बात करनी पड़ेगी जो न्यूबॉर्न तो शूट करते हैं। तो मेरा केस में क्या था ना, जो मेरे वीडियोग्राफर थे जिन्होंने मैटरनिटी शूट किया था, वो स्पेशल थे न्यूबॉर्न शूट के लिए, सो उनसे ही मैंने करवाया था। न्यूबॉर्न शूट होता क्या है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ। न्यूबॉर्न शूट होता है जब हमारा बेबी होता है, लाइक 3 month तक हम उसे, या जब हमारा बेबी होता है तो हम उसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं, लाइक 1-1.5 महीने तक के बेबी को न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कंसिडर किया जाता है शूट के अंदर। तो जो मेरे वीडियोग्राफर थे उनकी पॉलिसी थी कि ये जो शूट है ये 21 days के अंदर होगा बेबी होने के बाद में। अब आप किस वीडियोग्राफर से बात करते हो, अगर आपके आसपास में कोई भी, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जयपुर से भी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, गूगल पे कर सकते हो, देन आप उनसे अपनी वीडियोग्राफर से बात कर सकते हो। तो हर किसी की पॉलिसीज अलग होती है, मुझे नहीं पता और किसी की क्या है, क्योंकि मैंने अपने न्यूबॉर्न शूट के लिए इन्हीं से बात करी थी। तो इनकी पॉलिसी थी कि बेबी होने के अंदर 21 days के अंदर अंदर करेंगे, उसके बाद ये न्यूबॉर्न के अंदर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको जैसे ही बेबी हो जाता है, या फिर आप अपने बेबी की जो ड्यू डेट होती है जो होने वाला है, उसके आसपास ही अपने वीडियोग्राफर फिक्स करके उससे बात कर लीजिए कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने वैसे तो पहले ही बता दिया था कि मुझे बेबी होने वाला है, उसका शूट करवाना है। देन मुझे 8 August को चिया हुई थी, उसके बाद में मैंने आई थिंक
10 या 11 अगस्त को उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे शूट करवाना है। उन्होंने सारी डिटेल ले ली थी, बॉय है, गर्ल है, नेम क्या है, और मतलब सारी चीज़ें पिक्चर से मांगते हैं आपके बेबी की। उसके अलावा फिर उन्होंने मुझे डेट्स दी थी, मतलब वो अपने शेड्यूल में से आपको 3-4 डेट्स देते हैं। तो मेरी जो डेट्स आ रही थी वो आ रही थी मेरी नहावन वगैरह से पहले की, देन मैंने उनसे डेट फाइनल करवाई थी 29 की। तो ऐसे करके था, मतलब 21 डेज का जब आपका बेबी होगा तब तक आपका शूट होता है। तो सबसे पहला तो आपको यही काम करना है, न्यू बॉर्न बेबी शूट होता है क्या, मैं आपको ये बता रही थी। तो जब आपका छोटू सा बेबी होता है 21 डेज के अंदर, जब आप उसे क्यूट क्यूट से पिक्चर शूट करवाते हो एज ए मेमोरी बात के लिए, उस शूट को कहा जाता है न्यू बॉर्न शूट। सेकेंड क्वेश्चन है कब होता है, तो ये जो शूट होता है ये 21 डेज के अंदर अंदर होता है, जब आपका बेबी बर्थ टाइम से 21 डेज के होता है उस टाइम के अंदर अंदर ये आपका शूट होगा। तो आपको फर्स्ट यही करना है, जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है आप अपने वीडियोग्राफर को इन्फॉर्म कर दें कि आपका बेबी हो चुका है, गर्ल है, बॉय है, वो आपको डेट्स फाइनल कर देंगे। आपके जो भी रिचुअल्स होते हैं उनके बाद में आप अपनी डेट ले सकते हो। और पता है सबसे अच्छा चीज़, अगर आप जितना उसको छोटे का करवाओगे ना, मतलब जितना बड़े ही करवाओगे वो ग्रेस नहीं आएगा, और जितना छोटे का करवाओगे ना वो शूट बहुत प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा उसमें आराम से स्वेडल करके रह जाता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा वो हाथ पैर चलाने लग जाएगा, तो वो जो शूट है ना उसमें फिर वो यू नो बेबी शूट आएगा। हाँ ठीक है बेबी का शूट है, बट वो न्यूबॉर्न वाला टच नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो ज़्यादा हाथ पैर नहीं लाता, वो आराम से ऐसे करके रहता है। तो ये भी प्लस पॉइंट होता है कि आप जितना उसको जल्दी करवाओगे ना शूट को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे होता है ये शूट। ओके ये शूट कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। आप जब अपना डेट वेट फाइनल कर लेते हो तो मैं आपको हमारे बता देती हूँ। हम लोग यहाँ से गए थे, कुछ चीज़ें वो लोग मंगवाते हैं, जैसे मेरे वीडियोग्राफर ने मंगवाई थी, अगर आपके वीडियोग्राफर नहीं भी मंगवाते हैं तो मैं आपको यहाँ एडवाइस करना चाहूँगी आप वो चीज़ें लेके जाए, भी मैं आगे बताऊँगी आप उसको लेके जाएँ। आप अब अपना एक पैकेज होता है, ठीक है, तो जैसे हमारे पैकेज थे, लक्स पैकेज था, उसके बाद में लक्स था, फिर लक्स अल्ट्रा, कुछ ऐसे करके पैकेजेस होते हैं इनके, जैसे 13,000 से स्टार्ट थे। उसके अंदर वो आपको 5 फोटो देंगे, एक प्रॉप देंगे। एक प्रॉप से मतलब होता है आपका जो बैकग्राउंड पीछे दिख रहा होता है, एक प्रॉप मतलब जैसे आपने अभी मेरी बेटी की फोटोज देखी, बास्केट के अंदर है, बैट के अंदर है, यू नो बॉल के अंदर है, तो ये सब प्रॉप्स होते हैं, तो आपको एक प्रॉप देंगे। उसके बाद में जो शूट था उसमें था लाइक जो 17,000 कुछ समथिंग का था उसमें थी 10 फोटोज थी और 2 बैकग्राउंड थे, कुछ ऐसा शूट था। ये देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे वीडियोग्राफर की पॉलिसी है। आप जिनसे बात करते हो उनकी मेरी पॉलिसीज अलग होंगी। मेरी फ्रेंड है, उसके भी न्यूबॉर्न बेबी हुआ था, उसने जब बात करी थी तो 7 तो उसमें 7,000 में उसको वीडियोग्राफर मिल रहे थे, बहुत सारी फोटोज वीडियोज के साथ में। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, 7,000-8,000 में आपको बहुत अच्छे वीडियोग्राफर भी मिल जाएंगे, जो आपको बहुत सारी पिक्चर्स फोटोज क्लिक करके देंगे। बट जो मैं मेरे वीडियोग्राफर का एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रही हूँ। देन थर्ड वाला पैकेज था 20,000 रुपीज का, उसके अंदर 15 फोटो थी और 4 वो थे बैकग्राउंड प्रॉप्स वगैरह। तो मैंने चूज किया था 20,000 वाला, देन सबसे हाई था 40,000 वाला, उसमें बस आपको एल्बम मिल जाता। तो मैंने वो वाला इसलिए चूज नहीं किया था क्योंकि एल्बम मैं अपनी बेटी का इस तरीके से बनवाऊंगी, जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट शूट करवाया था, देन मैटरनिटी शूट है, तो मतलब बेबी के जितने भी शूट्स हुए मैं सबका एक ही एल्बम बनवाऊंगी, दैट्स व्हाई मैंने वो वाला चूज नहीं किया था। तो मैंने 20,000 रुपीज़ वाला चूज़ किया था, उसके अंदर मुझे 15 फोटोज मिली थी एडिटेड, अनएडिटेड तो आपको सारी ही देते हैं। उसके अलावा 4 प्रॉप्स थे, तो आपने देखा था कि उसको 3 कलर की ड्रेसेस में, हाँ 3 कलर की ड्रेस में करवाया था, देन प्रॉप्स 4 किए थे उन्होंने। तो ये मेरा शूट था, तो उसके अंदर वो आपको जाना होता है। देन उन्होंने सबसे पहले वो जो बैड वाला शूट था वो किया था, उसमें पता है जो वो जो वीडियोग्राफर होते हैं वहाँ पर जाकर आपको आप ऐसे सोचोगे इतना सा बच्चा कैसे शूट करेगा, वो इस चीज़ में इतने प्रो होते हैं ना, वो चेंज करवाने में, बच्चे को सुलाने में, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जस्ट बैठ के देखना है, नहीं करना होता है, वो बहुत ज़्यादा उनको मतलब पता होता है कि कैसे क्या करना है, बेबी को कब सुलाना है, किस तरीके से सुलाना है। मतलब जिया ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, बस वो क्या कर रही थी ना, आंखें नहीं बंद कर रही थी फर्स्ट वाले शूट में, जो उसका बैड वाला शूट था। हाँ तो वो आराम से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेबी को स्वेडल भी करते हैं, जैसे येलो वाली जो ड्रेस थी, रेड वाली जो,
हाँ वीडियोग्राफर थे उन्होंने, सबसे पहले मैंने उनको नाम वाम बता दिया था, उस टाइम तक नाम अर्चिया का हमने डिसाइड नहीं किया था, उस टाइम में मुझे लग रहा था कि हम अनाया नाम निकालेंगे, तो मैंने उनको अनाया बता दिया था। तो फिर उन्होंने बाहर एक क्यूट सा वेलकम बोर्ड लगाया था कि वेलकम टू अनाया ऐसे करके, देन उन्होंने प्रॉप्स वगैरह सेट कर रखे थे, जो मैंने प्रॉप्स उनको मतलब ये प्रॉप्स कलर मतलब आपको किस कलर के ड्रेस में बेबी का शूट कराना, ये सब हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था एज पर हमारा जो सेशन हमने लिया था ना उस अकॉर्डिंग, तो उन्होंने सब कुछ सेट कर रखा था। मैंने एक बेबी पिंक कलर लिया था, एक येलो कलर लिया था, एक ब्लूइश कलर भी था उसके अंदर, तीन कलर के ड्रेसेस थी, प्रॉप्स उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए थे ऐसे करके था। तो ये मैंने कलर डिसाइड किए थे, सारे कलर आप डिफरेंट लो अपने बेबी के, मतलब मिलते जुलते ना लो ताकि सारे शूट्स आपके अलग अलग निखर के आए, मिलते जुलते बिल्कुल मतलब ना वरना सिमिलर सा लगेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो था वो था बेड के साथ में था, और वो इतना क्यूट बेड था, वो बिल्कुल इतना सा बेड था, वो लगता इतना बड़ा है। देन वो शूट था, उसमें वो बेबी को तैयार व्यार कर देते हैं, एंड देन मैं आपको छोटी छोटी क्लिप सिखाती हूँ पास में कि वो किस तरीके से बेबी को आराम से सुला रहे थे, उसको लोरी सुना रहे थे। एंड वहाँ पर पता है बहुत ही हल्की म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता है जिसमें वो वाला साउंड आ रहा था जिससे बेबी सोता है, हाँ, तो वो साउंड चल रहा था। एंड चिया को वो सिला रहे थे और उसने बहुत कामली शूट किया, एंड कोई डरने की बात नहीं होती क्योंकि आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है आपको डर लगता है वो कैसे इतना स्टेबल होगा। और मेरी जो वीडियोग्राफर थी उसके साथ में एक और थे, और देन एक और उनके असिस्टेंट थे जो कि बेबी को संभालने के लिए बिल्कुल जस्ट पास में खड़े होते हैं कि बेबी अगर थोड़ा सा भी मूव करता है तो फट पकड़ लेते हैं, तो बिल्कुल डरने की तो कोई बात ही नहीं, वो बहुत ईजिली और आपको मतलब आपसे ज़्यादा वो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे एक रील बनानी है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि हम बेबी को इतनी देर पे नहीं रहने देंगे क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस फट वो शूट करते हैं 5-7 मिनट में, तो बेबी की सेफ्टी का कोई वो डर नहीं होता। देन सेकंड था हमारा येलो कलर का, उन्होंने रैप किया था उसमें, एक तो उन्होंने क्राउन रखा था, एक उन्होंने हेयरबैंड लगाया था, वो भी आप पास में शूट देख सकते हो। बीच बीच में जो आपका बेबी उठ जाता है तो बहुत प्यार से उसको कामली सुलाते हैं खिलाते हैं ताकि वो आराम से शूट करवा सके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो मेरा सेशन था वो सिर्फ 1.5 घंटे का था, तो 1.5 घंटे में सारा शूट हो गया था बेबी के साथ का। यू बिलीव, हमको लगता है चीज़ें सही नहीं होगी बट बिल्कुल एकदम परफेक्टली हो जाती हैं। सो ये आपका इस तरीके से शूट होता है। एंड ये शूट है ना, शूट कहाँ होता है, मुझे लगता है मैटरनिटी शूट आप कहाँ पर भी करवा सकते हो, लेकिन जो न्यू बॉर्न शूट होता है वो स्टूडियो में ही जाके होता है। घर पे भी आके कर देंगे, लेकिन इतने सारे प्रॉप्स वगैरह मतलब मुझे ऐसा नहीं मिला था जो घर आके कर सके, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है, प्रॉप्स होते हैं, इतना सब कुछ घर सेट करना मेरे हिसाब से तो नहीं बैठ पाता, तो वो आपको स्टूडियो में जाके ही करवाना होता है उनका जो शूट होता है वो। देन है टाइमिंग, तो टाइम मैंने आपको बता दिया, एज पर आपका जो सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है अगर आप इस तरीके से सेशन लेके करवाते हो तो, अदरवाइज अगर आप फ्रीलांसर वीडियोग्राफर से करवाते हो तो वो तो आपके ऊपर आप कितने टाइम में करवाते हो। और टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी कि 21 डेज के अंदर आप करवाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। है चार्जेस, तो ये भी आपको अपने अपने वीडियोग्राफर पर डिपेंड करता है। मैंने जो चिया का करवाया था 15 फोटोज का, उसके मुझे 20,000 रुपीज पे करने पड़े थे। लोकेशन भी मैंने आपको लोकेशन मैंने आपको बता दिया, तो आप स्टूडियो में करवा सकते हो या आप अपने घर पे करवा सकते हो। घर पे अगर आपका जो वीडियोग्राफर वो प्रॉप्स घर पे लाने के लिए एग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्टूडियो में जाके कराना पड़ता है। मेरे को पर्सनली लगता है कि आपको स्टूडियो में ही जाके करवाना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो ग्रेस आएगा वो घर पे नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ रही जाती है। वहाँ तो क्या होता है ना, स्विच कर सकते हो फटाफट, अगर कोई चीज़ नहीं भी बैठ रही है तो फटाफट से आपने स्विच करके दूसरी चीज़ ले ली, तो ये चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट होता है। ड्रेसेस एंड प्रॉप्स है, तो देखो ये जो ड्रेसेस एंड प्रॉप्स है आई डोंट थिंक ये रेंट पे मिलेंगे। अगर आप रेंट पे लो भी लोगे तो जब वीडियोग्राफर अगर आप फ्रीलांसर ले रहे हो तो वो उन चीज़ों में नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता है ये जो चीज़ जिसका काम होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो मुझे लगता है जो पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए फोटोग्राफर है आप उन्हीं से कंसल्ट करें, ना कि फ्रीलांसर से। मैटरनिटी शूट में चल जाता है बट न्यू बॉर्न बेबी में आप जो इनके मतलब स्पेशलिस्ट है उन्हीं से करवाएं। ओके लास्ट क्वेश्चन है कि न्यू बॉर्न बेबी के शूट पे एसेंशियल चीज़ें क्या होनी चाहिए। ये मैं आपको अपना पर्सनल एडवाइस से बता रही हूँ कि यह चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। आप एक छोटू सा बैग तैयार करके लेके जाएं, आप ब्रेस्ट फीड कराते हो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसके अलावा फॉर्मूला मिल्क भी लेके जाएं या फिर अपना मिल्क जो है वो पंप्स करके एक बॉटल फीडिंग बॉटल लेके जाएं, क्योंकि पता है बीच में बेबी उठ जाता है कुछ भी होता है, अगर बेबी भरा हुआ पेट है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बेबी का शूट बहुत अच्छे से होगा। आप जैसे ही लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, आप अपनी बाइक कार जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, आप उसे 15 मिनट पहले बेबी को पेट भर के फीड करवा दीजिए,
ताकि बेबी शूट अच्छे से करवा सके। ये मत करवाना कि मैं घर से उसको दूध पिला के लेके जा रही हूँ। जैसे मेरा जो रास्ता था वो 45 मिनट 1 आवर का था, तो मैं घर से उसको फीड करवा के लेके गई थी, देन मैं मेरी लोकेशन पे पहुंचने वाली थी, तो मैंने 15 मिनट पहले भी उसको फीड करवाया था। मेरे वीडियोग्राफर ने ये चीज़ मुझे बताई थी, तो मैंने उसको फीड करवाया था ताकि उसका टम्मी फुल रहे। उसके अलावा मैं फॉर्मूला मिल्क लेके गई थी उसके लिए। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि नहीं मैं मेरा वहां पर पिला दूंगी। पता है कई बार बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है शूट के टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर बच्चा कंफर्ट होकर नहीं पी रहा आपका, तो आप उसको फीडिंग बॉटल से पिला सकते हो, तो ये जरूर लेके जाना। उसके बाद पैसिफर होता है, अब वो भी मेरे वीडियोग्राफर ने बताया था, मैं उसको बता, वो आप वैसे समझ गए होंगे क्या होता है, लेकिन नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली तब तक। जो एक छोटी सी वो आती है ना, मैं दिखाती हूँ, जिसमें शहद आता है, आई थिंक बेबी जब उसको मतलब बेबी का अपन मुंह में दे सकते हैं, वो ऐसे निप्पल टाइप में आता है, तो मैं पास में फोटो लगा रही हूँ एक्चुअली, वो आप जरूर लेके जाना। तो वो भी हम उस टाइम पे परचेज करके लेके गए थे, एंड वो हनी वाला नहीं आता है। छोटे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उनका हनी वाला नहीं आएगा। हनी जो होता है वो बड़े बच्चों का आता है 3 महीने बाद का, तो जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी वाला ही पैसिफायर लेके जाना, तो हम वो लेके गए थे, तो मैं पास में फोटो लगा रही हूँ, वो जरूर लेके जाना उसके लिए। उससे बहुत हेल्प मिली थी चिया को, जब वो बीच बीच में उठ रही थी तो हम उसके मतलब वो लगा रहे थे, थोड़ी देर वो शांत हो रही थी, दैट फिर हम वो कर रहे थे। उसके अलावा वाइप्स लेके जाना, टॉवल लेके जाना, क्योंकि जब वो शूट करते हैं ना, तो वो बेबी को क्लोथ आपके वाले क्लोथ तो निकाल देते हैं, अब एक शूट से दूसरे शूट पे जाने के लिए, लाइक एक ड्रेस से दूसरे ड्रेस पे जाने के लिए, जो बीच के 5-6 मिनट होते हैं ना, उसमें जब आप अपने बेबी को लेते हो, तो उसको इस तरीके से बिना कपड़ों के लेना, ठंड लगने से अच्छा कि आप एक टॉवल लेके जाएं, उस टॉवल में उसको रैप कर ले ताकि वो दूसरा वाला ड्रेस बनाए उस तक। तो आप ये जरूर लेके जाएं बेबी के लिए। और अगर आपके कॉम्ब वगैरह नहीं करते हैं, कुछ जैसे बोलते हैं कि मतलब उस टाइम तक हम बच्चों के कॉम्ब वगैरह नहीं लगाते, तो आप छोटा ब्रश लेके जा सकते हो, अगर आप ब्रश लगा सकते हो तो, जिससे बेबी के बाल बाल अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा आप लोशन लेके जाना, ये चीज़ें आप लेके जाना जो कि नीड होती है इन सब चीज़ों की। डायपर पहना के लेके जाना आप अपने बेबी को, और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा डायपर लेके जाना वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे मेरी चिया के शूट के टाइम पे यूज़ आई थी, और तो मे भी आपको भी यूज़ आ सकती है। फीडिंग बॉटल मतलब उसमें दूध होना चाहिए, फार्मूला मिल्क है तो फार्मूला मिल्क का डब्बा लेके जाएं, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके बॉटल लेके जाएं ताकि आप वहाँ पर उसके लिए दूध बना सकें। ये सब चीज़ें पैसिफायर और टावल और डायपर, ये सब चीज़ें जो है वो नेसेसरी चीज़ें हैं, तो ये आप लेके जाएं। और बस यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं न्यूबॉर्न शूट के लिए। ऐसी कोई और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। होप सो आपको मेरे चिया का शूट भी अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं लव लव ब्रांड के डायपर पैंट्स, जो कि आपके बेबी के एज और साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं। एंड मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए न्यूबॉर्न बेबी पैंट्स।